बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन अली स्पीक्स देख रहे हैं और आज मैं बाहर आया हुआ हूँ। मैं अपने स्टूडियोज़ में नहीं हूँ, अपने घर में नहीं हूँ। मैं लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाए कि किस तरह लोग जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, और किस तरह लाहौर कलंदर्स ने आतिफ राना और उनके भाई समीन राना, राना फवाद ने किस तरह पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के फ़रोग के लिए, पाकिस्तान में टैलेंट हंट के लिए, अच्छा टैलेंट क्रिकेट की दुनिया में मुतारिफ़ करवाने के लिए क्या काम किया हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ प्लेयर्स दिखाते हैं और बड़े ही इम्प्रेसिव, बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। मैं कम अज़ कम बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ पर देख के, किस तरह कोचिंग स्टाफ है जो बच्चों को यहाँ पर ट्रेन करवा रहा है, और यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आरिस रऊफ लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है, फिर कई और प्लेयर्स, दिलबर हुसैन वो लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है। अभी मेलबर्न स्टार्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग है उसके अंदर एक फरीदून खेल रहे हैं स्पिनर, वो भी लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है। लाहौर कलंदर्स ने जो है वो क्रिकेट के अंदर एक नई जो है वो मुतारिफ़ करवाई है कि जिस तरह ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, ग्राउंड्स बनी हुई अच्छी, लाहौर के अंदर है ये जल्लो के करीब। यहाँ पर मैं आ जाया हूँ, आपको यहाँ पर मज़ीद एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं कि किस तरह लोग जो हैं यंगस्टर्स जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, इनमें से कई लड़के जो हैं वो किस तरह यहाँ पर ट्रेनिंग करें, और ख़ुद भी हम कुछ ज़रा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर आकर। काफ़ी स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ टी वी चैनल्स के, तो आपको ट्रेनिंग भी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये है लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और यहाँ पर आने का मकसद और यहाँ पर लड़के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ मौका मिलना चाहिए, सिर्फ मौके होने चाहिए, और इंडिविजुअल्स ही ये मौके क्रिएट करते हैं। लाहौर कलंदर्स की पूरी मैनेजमेंट को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह उन्होंने ये सारा एक मेला यहाँ पर सजाया हुआ है। आप देख रहे हैं रात के टाइम जो है वो यहाँ पर लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यही लड़के जो हैं ये कल को शाहीन अफरीदी बनेंगे, यही लड़के कल को हारिस रऊफ बनेंगे, यही लड़के इन्हीं में से बाबर आजम निकलेंगे। तो एक मौका दिया हुआ है, और आपको पता है क्रिकेट जो है वो हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी हालिया जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो पाकिस्तानी कौम के जज्बात क्या थे हम सबको पता है। लाहौर कलंदर्स ने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे लड़के नज़र आए हैं 18 साल की एज के, एक दो 18 साल की एज के लड़के थे जो 135-135 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बॉल करवा रहे हैं, और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, गुफ्तगू भी हुई। आई एम श्योर ये लड़के जो हैं वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एक दफ़ा फिर लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त अरेंजमेंट यहाँ पर किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ से जो लोग भी खेलेंगे वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।